एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें वही सीन दिखाया जाता है जिस पर डोमिंग पूछ रहा था कि तुम कौन हो। फिर डोमिंग को याद आता है कि उस बच्चे ने 400 साल पहले यही पूछा था कि तुम कौन हो, कभी तुम उड़ते हुए चीज़ों में मुझे दिखाई देती हो, ये सब बहुत अजीब है। क्या तुम भूत हो? और वो बंदा जो होता है वो कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि वो इंसान नहीं होता है, वो इंसान की भाषा नहीं समझ सकता और ना कह सकता है, लेकिन वो लड़की से वो सीख रहा होता है। वो बच्ची कहती है कि मैं अपने घर जाऊंगी, मेरी सास ससुर की घर फैमिली का है। वो बंदा कुछ नहीं बताता तो कहते कि तुमने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई, इसे तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। ये कहकर वो अपने घर लेके आते हैं, अपने सास ससुर के घर लेके जाता है। फिर वहाँ देखते कि वह सास ससुर जो होते हैं वो कह रहा होता है कि मेरी सबसे बड़े बेटे की वाइफ ने खुदकुशी कर ली है। और फिर वो लड़की जो होती है, बच्ची जो, वो चुपके सुनता है, उसके साथ कह रहा होता है कि उसे दोनों और मरा दो, और क्योंकि हमें जो अवॉर्ड का पैसा मिलेगा जो उसके मरने पर सब दान करेंगे, वो पैसे को हमें नजर चाहिए, ये कहते हैं। और ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है और उसे डोमिन बचा देता है, किसी की नज़र में देखने नहीं देता और लेके आ जाता है। और देखते हैं कि उसकी तो पूरी तरह ग्रेव भी बना चुकी है कि वो मर चुका है, ये कहकर वो बहुत दुखी होते हैं। और कहते हैं कि मैं अपने असली फैमिली के जाऊँगी, मेरी माँ मेरे पिताजी के साथ। और कहते हैं कि साथ इन सब कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तुम तो बहुत ताकतवर हो, तेरे साथ तो जादू भी है कि तुम खुद की हेल्प कर सकते हो, मैं खुद चले जाऊँगी, ये कहता है। तो वो बंदा जो पहली बार कुछ बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर ये हमें ये समय को दिखाया जाता है जिस पर जो सॉन्ग जो कह रही होती है कि तुम पागल हो क्या, तुम कैसे ऐसे बिहेव कर रहे हो। फिर डोमिन जो कहते हैं कि हाँ सही कहा, नहीं लगती थोड़ी भी, मुझे गलत फहमी हो गई थी। सॉन्ग डोमिन से कहते हैं वो लड़की मेरी बहुत बड़ी फैन होती होगी और मेरी तरह देखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई होगी, बहुत सारे लोग कराते हैं करियर में क्योंकि मैं बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस हूँ। तो ये डोमिन जो कहते हैं फिर उसकी हील को देखिए तेरे सुससे, तो वो कहते हैं कि हाँ मेरे है क्यों। तो ये कहते हैं कि ये स्पॉन्सर नहीं है, ये मैंने मंगाया और कोरिया में ये पहला जो है आया था और मैंने लिया, ये कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद डोमिन जो है वो अपने दोस्त से बात कर रहा था, कहते हैं कि वही सू जो है वो लड़की की है। वो दोस्त से कहते हैं कि तब तो तुम्हें उससे मदद करनी चाहिए। सॉन्ग होता है वो सिमी से बात कर रही होती है और सिमी कहती है कि यूरा तुम दोनों के पीछे फिर झगड़ा हुआ, और सॉन्ग कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं कि वहाँ एक लड़का आया था वो कौन था, तो सॉन्ग कहते हैं वो मेरे पड़ोसी है, मेरे पर्स वहाँ गिर गए थे ना, वो देने के लिए आया था मुझे। और ऐसे कहने के बाद वो जो सॉन्ग कहती कि मेरे पेट में बहुत दर्द दे रही है, तब तक दो लड़की आती, दो फैन होते हैं, फैन आके सॉन्ग को कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपके कपड़े इतने अच्छे, लेकिन वो सिमी को थोड़ी भी नहीं देखती, लेकिन सॉन्ग को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और सिमी जो होते उसे एक जो डायरेक्टर होती है वो बुलाने के लिए आती, कहती है कि आपकी सूट रेडी है, और वहाँ से सिमी चली जाती है। और वहाँ से सॉन्ग उठने कहती है कि तुम दोनों के मैनर का आ गया, तुम दोनों सिमी को नहीं जानती, तो सुमी को क्यों तुम दोनों ने बात नहीं की। और ये कहके कहते कि ये सब सही नहीं है, याद रखना मैं बहुत बुरे इंसान हूँ, मैं एक बीच हूँ, ऐसे कह के मजाक करके वैसे वो चली जाती है। कि दोनों कहती है कि जब इसका फैन फॉलोइंग कम होगा ना तब इसे पता चलेगा, बहुत हवा में उड़ती है, ये कह के दोनों बात करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होते ही उसके फ़ोन में अलार्म बजते 6 बजे का, और वो जो होते अलार्म को ऑफ करता है, वो कहते हैं कि मैं घर जाऊंगा। तो ऑफिस के सारे लोग होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, और जो उसके हेड होते हैं वो कहते हैं कि अभी क्यों जाएगा। ये बात को सुनकर जो उसके सामने बंदा था वो कहता है वो बॉस को कि आप थन रखो मैं बात करता हूँ, और उस साथ में लेके आता है, वो कहते हैं कि तुम क्या समझते हो कि खुद को, हाँ ऑफिस है ये तेरा फैमिली का घर, ये तेरा फैमिली का ऑफिस नहीं है, डेस्कटॉप में तुम हीरोइन की फोटो डाल के रखो, क्या समझते हो, अपनी फैमिली की फोटो डालो। तो वही कहते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो है, तो वो चिल्लाता है क्या गर्लफ्रेंड, ऐसे तो मैं भी कोरिया के बहुत फेमस इंसान हूँ, ऐसे ऐसे मजा करता हूँ, कहते हैं कि हम अपनी फैमिली को पालना है, बहुत अच्छी तरह से सैलरी पाना है, इसके लिए करना चाहिए, जल्दी जाके चेंज करो वॉलपेपर, अपनी फैमिली की फोटो डालो, उसके बाद सबके लिए कॉफ़ी लेके आओ। थोड़ी देर बाद वो बंदा जो बाहर आता है कहते हैं कि मैंने ही को अच्छी तरह समझा दिया, कॉफ़ी लेने भेज दिया, लेकिन बॉस होते हैं वो पूरी तरह डर जाते हैं, कहते हैं कि वो देखो ये क्या हुआ। लड़का जो बंदा जो वो कहते हैं कि ही के कंप्यूटर का वॉलपेपर चेंज हो गया, और वॉलपेपर देख के वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो तो इसी कंपनी का बेटा होता है। ये देखकर उसे हालत दिखाने वाला था, उसे लगता है कि अभी उसकी नौकरी चली जाएगी, और सब डर जाता है, वो बॉस भी बहुत डर जाता है। थोड़ी देर बाद ही जो कॉफ़ी लेके आते हैं और सब लोग जो होते हैं कॉफ़ी लेके थैंक यू तुम घर जा सकते हो, हम लोग भी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, ऐसा कहते हैं क्योंकि वो सब लोग डर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखा रहा होता है कि हीजो अपने भैया के साथ चाय पी रहा होता है, और भैया कहते हैं कि किसी को पता तो नहीं चला ना तो मेरे भाई, तो ही कहते हैं किसी को पता नहीं चला। और उसमें जो होते कंपनी की जो हेड होते हैं उसके पिताजी के सबसे पुराना एम्प्लॉय वो आता है वहाँ, वो उसका नाम होता है मिस्टर वांग। मिस्टर वांग जो कहता है बहुत अच्छी हो तुमसे मिलकर, कैसे हो बेटा, और उन्होंने अच्छे से बात करते हुए कहते हैं कि कभी कभी हम साथ में डिनर करेंगे, ओके, उस बात से फिर ही चले जाते हैं। फिर लीजो पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए, बताइए वजह क्या है, तो मिस्टर वांग कहते हैं कि जो इंसान हमारे साथ दिल नहीं करना चाहता वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, हम दिल तो मिल गए, लेकिन बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कंपनी से कोई किसी का हाथ है, क्योंकि किसी ने देखा है हमारी कंपनी के बंदा को। ये कहकर लीजो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा
आपको गलत फहमी हुई होगी, तो वो कहते हैं नहीं हमें पुलिस को ही देनी चाहिए बात। तो लीजो कहते हैं ठीक है और देखते हैं, और कहते हैं कि आपकी डायबिटीज ठीक है, तो वो कहते हैं कि हाँ शुगर लेवल ठीक है, मैं मेंटेन रखता हूँ इंसुलिन लेकर। और लीजो कहते हैं अपना हेल्थ का ख्याल रखना क्योंकि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और वहाँ से चला जाता है और लीजो जाकर उसके इंसुलिन को चेंज कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डोमिन जो होते हैं वो याद कर रहा होता है वही समय को, 400 साल पुराना समय को याद कर रहा होता है, और वो सुनाई देते हैं कि जो एक तो सॉन्ग होती है वो कह रहा होता है कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं क्या करूँ, अपने मैनेजर को कॉल करके, और मैनेजर कहते हैं कि मैं तो अभी यहाँ नहीं हूँ, आउट ऑफ टाउन हूँ तो मैं नहीं आ सकता, तो अपनी मम्मी को कॉल करो या फिर 199 में कॉल करो। लेकिन हिरण कहती है कि मैं अपनी मम्मी को घर किस फोन नहीं करूँगा, और 199 में कॉल करने से सबको पता चल जाएगा पेट में बहुत दर्द दर्द दे रहा है। ये सारी बात जो होते हैं वो डोमिन सुन रहा होता है, और इतनी दर्द में भी वो खुद को स्टाइल करती है, कहती है कि मैं एक्ट्रेस हूँ और मुझे अच्छी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद वो चश्मे निकालते हैं, अपनी हील लेता है, वही हील पहनता है, उसके बाद वो घर से बाहर आ जाता है। डोमिन भी बाहर आता है और डोमिन को कहते हैं एक्सक्यूज मी तुम कहीं जा रहे हो, और डोमिन कहती है कि मैं मेडिकल जा रहा हूँ सामने वाले हॉस्पिटल। तो ये सुनकर सो वो जो सॉन्ग जो कहती है कि मुझे भी वहाँ ले चलो, ले जाते हैं, और वो बहुत बुखार भी होता है। तो वो डोमिन जो होता है वो डॉक्टर भी रह चुका होता है, तो वो जो होता है वो लड़का को कहता है कि इसके ना अपेंडिक्स हो सकता है, ऐसा करो प्रिपरेशन करो और के कुछ प्रिपरेशन करो। ये कहकर वो लड़का जो डर जाता है तुम कौन हो, तो लड़की जो कहती है कि ये मेरे मैनेजर है। मैनेजर ने सुनने पर ये वो जो कहते क्या, और ये वो लड़का जो बंदा जो कहते हैं कि मैनेजर होकर मुझे ये सब सिखा दे, थोड़ी बहुत टीवी सीरीज के देख ली डॉक्टर का काम आता है ये सोचता है। तो उसको डोमिन कहते हैं कि तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो ना, जाओ डॉक्टर को बुला के लेके आओ। उसके थोड़ी देर बाद पेपर वर्क के लिए उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि सर्जरी करनी पड़ेगी। तो सॉन्ग कहते हैं कि मार तो नहीं रह जाएगा ना क्योंकि मुझे बिकनी पहननी है, मुझे गंदा नहीं देखना है, और मैनेजर प्लीज़ जाके सब कुछ फॉर्म फॉर्म भरो बोलते। तो उसके बाद सॉन्ग जो कहते हैं कि मैं तेरी मैनेजर नहीं हूँ, फिर वो जाता है जाकर वो फॉर्म भरता है और वहाँ में वो नंबर देते हैं। तो इंसान कहते हैं कि आप अभी तक पेगर यूज़ करते हो पहले जमाने का, और ऐसे होने के बाद फिर उसे ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। ऑपरेशन रूम में ले जाने के बाद सॉन्ग कहता है उसे डोमिन को कि मुझे छोड़ के मत जाना जब तक मुझे होश नहीं आए, ये कहकर उसे सर्जरी करने के लिए अंदर ले जाती है। डोमिन उसके लिए पूरा वेट करता है, और जब सर्जरी ओवर होता है तो वहाँ जो होता है डॉक्टर जो आता है, डॉक्टर जाके डोमिन से कहते हैं कि इसके पेट में बहुत सारे गैस है, इसे थोड़ा वॉक कराओ मेडिकल के सिर्फ ये सराउंडिंग में वॉक कराओ, ग्रोथ कराने का वॉक करने के बाद उसकी पार्ट निकलने चाहिए, पार्ट निकलने पर उसकी आराम हो जाएगा। तो ये सुनकर सॉन्ग कहते हैं कि मैं पाती नहीं हूँ, डॉक्टर कहते हैं कि जब तक पादोगे नहीं तब तक डिस्चार्ज नहीं दोगे। उसके बाद में डोमिन जो होता है वो उसे लेके घूमता है, तो फिर वो जैसे कि सॉन्ग जो कहते हैं कि मुझे ये कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, मुझे ये कलर भी मैचिंग नहीं होते, मुझे दूसरे कपड़े लाने के लिए कहो ना डॉक्टर को। तो ये कहने के बाद डोमिन को देखिए तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे कहूँगा हाँ, तो सॉन्ग पूछता है कि क्या वो लड़की के बारे में तुम जो पूछ रहे थे वो लड़की भी मेरे से देखती थी, और क्या वो तेरी फर्स्ट लव था, तो डोमिन कहते हैं कि फर्स्ट लव नहीं, वो मेरे लिए एक ऐसा चीज़ है जो वो रह गया मेरे दिल में। ये कहने के बाद पार्ट निकल जाती है, पार्ट निकालने के बाद मैं डोमिन पूछती कि इतना ही है, तो वो जो होते हैं सॉन्ग को छोड़ के चला जाते हैं कि नर्स को बताना है, और सॉन्ग जो कहते हैं कि मैंने पादा नहीं ये कुछ अलग आवाज़ है। फिर सॉन्ग देखते हैं कि फर्स्ट स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल को देखिए वो बहुत खुश हो जाती है। फिर डोमिन को भी याद आता है वो स्नोफॉल में वो बच्ची ने उसे कहा था कि स्नोफॉल फर्स्ट स्नोफॉल में कुछ भी युद्ध बोल सकते हो, और मैं युद्ध बोलना चाहता हूँ, ये कह के बोला था कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ और मैं बहुत जल्दी बड़ी होनी चाहती हूँ। उन्होंने बियर और चिकन कितना अच्छा लगता है, ये इतना अच्छा लगता है, वो कितना अच्छा लगता है, खाने वाली चीज़ों की बात करते हैं, और डोमिन कहते हैं कि तेरी ब्रेन की सर्जरी नहीं हुई है पेट की सर्जरी हुई। फिर बाद वो सॉन्ग को रेस्ट करने के लिए कहते हैं, और सॉन्ग कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ के चले गए तो वो कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा तुम रेस्ट करो, ये कहकर वो साइड पर बैठ जाता है और पेपर देता है, और कहता है कि तेरी जो रिक्शन क्या है, वो कहते हैं कि मेरे एक्यूरेट्स, और वो कहते हैं कि एक्यूरेट्स लोग को बोर्ड में नहीं जाना है कुछ समय तक के लिए, उसका अच्छा नहीं होगा, पानी से दूर रहना है, ये बात कह ही रहा था और सॉन्ग सो जाता है, लेकिन सॉन्ग ये सब बातें सुन चुके होते हैं। उसके बाद आता है वो हमें ही आके कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है वो, तुम लोग को पता नहीं है, लेकिन वो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो रुक देते हैं और कहते हैं कि सॉन्ग की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो सब हंसते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। उसी वक्त थोड़ी देर में डोमिन नीचे आता है और वो सिक्योरिटी कहते हैं कि ये उसका मैनेजर से बात करो, तो वो जो कहते हैं ही जो कहते हैं ये मैनेजर नहीं है तुम क्या कर रहे हो यहाँ, ऐसे कहते हैं, और मैनेजर जो वो सब जो सिक्योरिटी होती है सस्ती की ये बंदा पागल हो चुका है। फिर मैनेजर कहते हैं ये पेशेंट को उत्तर रेस्ट की जरूरत है, इससे किसी को मिलने मत, तो वहाँ से डोमिन चले जाते। फिर हमें दिखाई देते कि सिमी इंटरव्यू ले रही होती है, और सिमी को इंटरव्यू जो ले रहे वो बंदा बंदी, और बंदा से ये पूछती सॉन्ग के बारे में से पूछती है, ये सुनकर सिमी को अच्छा नहीं लगता, और सिमी कहते हैं कि क्या आप मेरी इंटरव्यू लेने आई हो या सॉन्ग के बारे में पूछने आई हो, तो कहते हैं कि हाँ ऑफकोर्स आपके बारे में पूछने आए। उसके पूछते कि आपको कोई क्रश था, तो उसे याद आता है 12 इयर्स पहले एक क्रश था,
वो कोई नहीं, वो ही होती है। ही को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी सिमी, लेकिन ही जो होते हैं वो जो सिर्फ और सिर्फ सोंग को पसंद करता था। वो आता है सोंग की तरफ ही जो, और कहता है कि मैं ही हूँ। तो सोंग कहते हैं कि तो क्या, ही कहते हैं कि तुमने जो चॉकलेट की कमर्शियल किए थे उसके बाद इतने पॉपुलर हो गए, तुम्हें इतना काम मिला, टीवी शो मिला, वो सब मेरे कारण मिला है। तो जो सोंग जो कहती है कि तेरे कारण, और वो कहते हैं कि हाँ क्योंकि मेरी डेट को मैंने कहा था कि तुम्हें कमर्शियल में लेने के लिए। तो फिर वो जो कहती है कि मुझे थैंक यू बोलो, तो सोंग जो कहती है कि तुम्हें थैंक यू मैं क्यों कहूँ, तुम मुझे थैंक यू बोलो क्योंकि कमर्शियल में लेने के बाद तुम लोग की चॉकलेट इतनी सेल हो कि तुम लोग इतनी रिच हो गए। ये कहने के बाद जो ही जो होता है वो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा होने कहती है कि मेरी वजह से तुम फेमस हो, मैंने तुम्हें मेरे पिताजी के बारे में बताया था। फिर वो लड़की जो सॉन्ग जो कहती है कि मैंने तो नहीं कहा था, और उस वो चीज को याद करके मेडिकल पहुँच जाती है। सिमी जो अपने पास को याद करके देखती है कि वो हमें ही होता है, ही को लेकर वो मिलने जाते हैं सॉन्ग से। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे कॉल करने चाहते जब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमें परसों को क्यों कॉल करा। तुम जो कहते हैं कि मैंने उसे कॉल नहीं किया, वो जा रहा था, उसने कहा कि वो मेडिकल जा रहा है, इसलिए मैंने उससे हेल्प मांग ली। और सिमी जो कहती है कि इसे रेस्ट करने दो, तुम्हें अभी हम यहाँ से निकालना चाहिए। लेकिन ही जो कहती है कि तुम जाओ, मैंने जाऊँगा, मैं यहाँ रुकूँगा। सिमी कहती है कि तुम्हें अपनी मम्मी को कॉल करना चाहिए, वो वरी होती होगी। और जो सॉन्ग होती है वो नहीं सुनी सकती, फिर वो कहती है न्यूज़पेपर लेके आओ, न्यूज़पेपर लेके आते। वो कहती कि अरे बंदे तो कह रहे थे कि यहाँ राशि है, यहाँ तक कोई राशि है ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद उसका पेगर जो होता है, जो पुराने ज़माने में फ़ोन नहीं होता तो पेगर से एक दूसरे से बात किया जाता था एमरजेंसी होने पर, तो उसका पेगर जो होते हैं वो जो आवाज़ करते हैं, तो पेगर आवाज़ करने पर शॉकिंग हो जाता है और कहते हैं कि वो उसके दोस्त जो मुझे तो लगा था कि मैं ही सिर्फ जानता हूँ तेरे पेगर का नंबर, और कोई किसे जानता है। फिर वो अपना पेगर को निकालते हैं, और पेगर को निकाल कर उसे उसकी फ्रेंड जो है फ़ोन देते हैं, फ़ोन लेके डायल करने के लिए कहते हैं नंबर को। तो वो डायल करते तो वो और कोई नहीं सॉन्ग होती, और सॉन्ग कहती है कि मैं इसलिए कॉल किया था कि तुमने कहा था कि जोरिक साइन है यहाँ, और मैं देख रही कि नहीं ये कौन से पेज में है बताऊँ। तो ये कहने पर उसे याद आता है कि डोमिन तो जूत कहा था उसे पानी से दूर निकले क्योंकि उसकी विजन सक्सेस नहीं होने के लिए। तो वो कहते हैं कि वो सही कहीं में होगा, मुझे नहीं है पता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वही बंदी जो उसकी लाइब्रेरी शॉप होती है, वहाँ दो लड़के हमेशा आते हैं और इसे इनोइंग करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। वो लड़के जो आते हैं वो सब बहुत तंग कर रहे होते, तो पीछे देखते हैं कि और एक बंदा आया होता है, और बंदा को देखिए वो एकदम फ्रेश हो जाती है क्योंकि वो बहुत हैंडसम होता है। वो बंदा कोई और नहीं डोमिन होता है, डोमिन जो होते कुछ बुक लेने आए होते और बुक का नाम बताते हैं उसे, और सब बुक का नाम बताते वो भी बहुत अजीब लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बताता है। वो सारे बुक जो होते हैं वो सॉन्ग ने लाने को कहा होता है उसे, और वो सॉन्ग को ला के देते हो, कहते हैं कि तुम्हें ये सब बुक पढ़ने की क्या जरूरत है, ये क्या बकवास बुक है, कुछ पढ़ना है तो अच्छा पढ़ो। सॉन्ग को गुस्सा आ जाता है, सॉन्ग कहते हैं कि इस सब बुक के बारे में कुछ बुरा मत बोलो, ये बुक सब मेरी इमेजिनेशन है और बहुत अच्छी बुक है, तुम क्या जानती हो। फिर वो कहते हैं कि एक बुक का नाम बोलता है, बुक के नाम बोलने के बाद में सॉन्ग को बोलते हैं कि तुम इतनी बोरिंग हो, इतनी पुरानी सेंचुरी की बुक कौन पढ़ता है। तो डोमिन को गुस्सा आता है, डोमिन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये पुराने चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं होते, पुराने चीज़ बोरिंग होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है आगे उसकी माँ मेडिकल में मिल जाती है सॉन्ग से, बेटा भी आ जाते हैं, और बेटा को देखिए माँ कहती है कि इतने दिन से तुम कहाँ थे। फिर जो सॉन्ग की बाई होते हैं वो जाने के लिए कहते हैं, उसकी माँ रोक लेते हैं क्योंकि जो प्रेसिडेंट था वो सब वीडियो बना रहे होते हैं सॉन्ग की मेडिकल का, हाँ क्योंकि उसे हमें सब पब्लिसिटी चाहिए होती है। तो वो ये करते उसकी माँ को कहते हैं कि ऐसा दिखाना है कि आपको बहुत अच्छी फैमिली, हैप्पी फैमिली, ठीक है कैमरा में ये दिखाना है, शायद ले जाके ये सब समझाता है। उसके भाई को बहुत गुस्सा आ रहा होता है ये सब देखकर, और वो औरत जो है वो कहती है कि मैं तो अपनी बेटी से ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मेरी बेटी से अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं है, सिर्फ मेरी खूबसूरती उस पर गई, ठीक है मैं क्या एक्टिंग करती हूँ देखना। ये क्या कैमरे के सामने आता है, कैमरे के सामने आके ऐसे बकवास कर रही होती, क्या क्या कह रही होती कि ऐसा है वैसा है हम सब ऐसा है, लेकिन बिल्कुल भी सॉन्ग को भाई को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और सॉन्ग के भाई वास्तेदारी चले जाते हैं अपनी दीदी को मिलने, उसकी दीदी को कहते हैं कि तुम ठीक हो जिंदा हो, तो उसकी दीदी कहती है कि तुम कहाँ था इतना दिन, आओ कुछ पैसे ले लो मुझसे। तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं कुछ काम करता हूँ, मैंने घर इसलिए छोड़ा है कि मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। कि सॉन्ग की माँ सॉन्ग से ही पैसे लेके घर चलाती होती है। फिर सॉन्ग की माँ पहुँच जाती है और नौटंकी करने शुरू हो जाती है, मेरी बेटी किसी को कितना प्यार करते देखो ये सब कह रहा होता है। उस पर सॉन्ग को बहुत गुस्सा होता है, सॉन्ग चिल्लाता है यहाँ से चली जाओ माँ, और उसकी माँ बाहर जाके कहती है समझती कि जो भी है मेरे कारण ही है। फिर उसके प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमें रिन्यू करनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, उसकी माँ कहती है कि क्यों रिन्यू करनी चाहिए, मुझे तो दूसरे प्रोडक्शन से ऑफर आ रहे हैं, और जब से होती है तब से तो ये प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, अभी लगता है मुझे चेंज कर देनी चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट कहते हैं चेंज क्यों करना, काम की बात है ना, मैं और काम दिलाऊंगा और मुझे आपको शॉपिंग भी कराऊंगा, ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सॉन्ग का पिताजी, सॉन्ग के पिताजी सॉन्ग से मिलने आए लेकिन हिम्मत नहीं होती उससे मिलने के लिए, वो नीचे ही खड़ा रहता है, बहुत देर तक नीचे खड़ा रहता है, उसके बाद वहां से वो चले जाते हैं।
फिर हमें दिखाए जाते हैं वही मिस्टर वोंग को। मिस्टर वोंग जो होते हैं उसे वो थकावट लग रहा होता है, वो इंसुलिन मार रहे थे। इन ली जो उसे बुलाते हैं अपने ऑफिस में, वो कहते हैं कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर ली को मिलने के लिए निकल जाता है, वो वहाँ गिर के मर जाता है। जब ये बात पता चलता है ली के फादर को, ली के फादर को गुस्सा होता है, कहते हैं कि इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं हो सकती, उससे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जो सॉन्ग है वो रेडी हो रही होती है बाहर जाने के लिए, क्योंकि मीडिया वाले तो देखेंगे उसे, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे एकदम अच्छे से रेडी करना। उसके बाद में जो मैनेजर थे वो उसके कपड़े लेके आते, कहते कि सूज गायब है, और वो कहते कि सूज किसे गायब हो गए, प्रोफेसर को पूछे, प्रोफेसर के साथ होंगे। लेकिन वो जो याद आता है कि प्रोफेसर ने कहा था ये सूज किसका है, और उसे प्रोफेसर को याद आता है कि प्रोफेसर के साथ ही हो गया। और प्रोफेसर का पेगर को फिर से वो कॉल करता है, पेगर को कॉल करने पर सारे लोग जो डर जाते हैं कि अभी तक पेगर कॉल करता है। और फिर गुस्से से प्रोफेसर कहते कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया, मैंने कहा था बार बार कॉल मत करो, तो कहते मेरे जूते का है। फिर डोमिन कहते हैं कि तेरी सूज में क्या करूँगा, फिर जो कहती है कि मुझे पता है तुमने ही लिया, मुझे वापस करो मेरे सो। और डोमिन कहते हैं कि तुम पागल हो, तुम्हें दम हो, मैं तेरी लड़की की जूता मैं क्या करूँगा, ये कहता है। फिर थोड़ी देर में दिखाते हैं कि डोमिन ने वो सू को लेके आके अपने घर में रख दिया। और हमें ये दिखाया जाता है कि जो लड़की जो यूरा जो होती है वो डेट कर रही होती है सॉन्ग के बेस्ट फ्रेंड होते हैं वही बंदा का भैया से डेट कर रहा होता है। और वो भैया जो होता है वो तो खतरनाक इंसान होता है, क्योंकि वो मर्डर करते रहते हैं। उसके बाद में वो लड़की को तो ये बात पता नहीं होती, वो लड़की कहती है कि हम दोनों की जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जो वो ली जो होती है वो कहती है कि शादी शादी क्यों करनी है। यूरा जो कहते हैं कि तुम्हें शादी नहीं करनी, तब तक ठीक है ब्रेकअप कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि तेरे तेरे भाई जो है वो सॉन्ग को पसंद करते ना, तो जो कहते हैं हाँ, तो कहते हैं कि सॉन्ग को बिल्कुल भी तुम्हें पसंद नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ शादी हो जाएगी तो वो मेरी सिस्टर इन लॉ बन जाएगी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए दोनों को अलग कर दो, मिलने मत देना, ये बात कहती है। फिर हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है कि सॉन्ग रेडी हो रही होती है, सॉन्ग जो होती है एक शादी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है। ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस एलिस एक्ट्रेस की शादी होती है और बहुत बड़ी बिजनेस मैन की, और सॉन्ग जो होती है बहुत अच्छी देखना चाहती है, तो वो सू वापस ऑर्डर करती है और वो सू आ जाती है। लेकिन साइज से थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन वो पहन लेते हैं। सॉन्ग प्रोफेसर को वॉइस मैसेज भेजती है, वॉइस मैसेज में वो कहती है कि मैंने फिर से वही सू सेम सू मंगा लिए, देख लेना। ऐसे कहकर फिर देखते हैं कि योरा होता है, योरा पीछे आती है और वो दोनों एक दूसरे को देखती है, और योरा वो दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाती है और एक दूसरे को बहुत बुरा बुरा कहते हैं। योरा कहते हैं कि एक दिन मैं इसे मार लूँगी या मैं खुद मर जाऊँगी, और ये बातें सारे लोग सुन रहे होते हैं। उसके बाद हमें थोड़ी देर में फिर से डोमिन को दिखाते हैं, डोमिन जो उसकी वॉइस मैसेज को सुन रहा होता है और वो न्यूज़ में देख रहे होते हैं वही पार्टी को।